हेलो गाइस, वेलकम बी बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीजीएमआई। तो गाइस आ चुके हैं आपके लिए प्यारा सा डीओवर्सिटी ड्यू टूर्नामेंट का वीडियो लगे। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर वेडनेसडे संडे को टूर्नामेंट करवाते हैं, जिसमें अगर आप करते हो विनर विनर चिकन डिनर तो आप हमसे फ्री में यू सीख पाते हैं। तो ये भी एक उसी टूर्नामेंट का वीडियो है, जिसमें जो भी विनर हो जाएगा वो हमसे फ्री में यू सीख पाएगा। तो चलिए गाइस, ये ओसम क्लच आपको हम दिखाते हैं और जो फालतू का पार्ट है उसको हम स्किप कर जाते हैं। तो ये भाई साहब 17 नंबर वाले अकेले हैं, तो इनका शिकार करने दो शेर आ रहे हैं। भाई शेर कहेंगे इनको, दो जाने मिलके एक बंदे को मार दिया, भाई कितनी गलत बात। तो चलो वो सब हटाओ। तो 17 नंबर वाले भाई साहब की बेटी बन चुकी है, अभी ये 16 नंबर वाले भाई साहब इनकी बेटी को लूटेंगे और आगे जाके और बंदों का शिकार करेंगे। टूर्नामेंट में जो पार्ट इंपॉर्टेंट है हम आपको वही दिखाएंगे, बाकी पार्ट हम स्किप कर देंगे, क्योंकि अगर सारा पार्ट दिखाएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 18 नंबर वाली एना लवर, तो ये अपने टीममेट के साथ, भाई साहब ये क्या, ये किसी के साथ टीम अप करके यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे को लगता है इनका टीम अप यहाँ पर तोड़ने बहुत ही बड़ा शेर आएगा और इन सबको, सबको नहीं इन सब की पेटी बना के चला जाएगा। तो चलो देखते हैं कोई इनकी पेटी बनाता है कि नहीं। तो ये रहे हिटमैन भाई साहब चिंकी मिन पे, भाई किसी ने मोली फेंकी, भाई ये बहुत ही स्लो मोशन में जा रहे हैं, भाई ये मेरे को लगता है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, ये बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में 44 नंबर वाली द गिल की आग से जल के द हिटमैन ख़त्म हो चुके हैं। तो ये गांधी भाई साहब जिनके टीममेट गोरजोन वाइटी हैं, जो लोबी पहुंच चुके हैं, अब ये अकेले बचे हैं। तो देखते हैं गांधी जी अपने बंदरों को बुलाते हैं कि नहीं। ओ भाई ये क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब कि गांधी जी यहाँ पे सरवाइव करते हैं कि जहाँ फिर ये अपनी भी पेटी बना के यहाँ से जाते हैं। तो ये भाई साहब आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा खतरे में, क्योंकि नीचे इनके दो तीन टीम बैठी है और ये भाई साहब सोलो है। तो चलो देखते हैं ये सोलो उनका मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं। मेरे को तो लगता है ये बहुत ही गंदे तरीके से अपनी बेटी बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये अंदर आई थिंक इन्होंने देख लिया भाई कि क्या सीन चल रहा है अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा टीम अप वाला सीन है। तो ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए देखते हैं, भाई अंदर लगता है उन्होंने हेडफोन नहीं लगाए, ये इन्होंने भाई 1v2 कर दिया और भाई तीसरे को भी मार दिया। वाह बेटा वाह, मौज कर दी भाई साहब, इस अकेले ने अंदर टीम अप भी तोड़ दिया, 1v3 कर दिया। वाह बेटा बहुत ही ज़्यादा ओसम गेम प्ले मैनम थोड़ा दोबारा। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी किसी और को, और देखते हैं कि और कौन सा क्लच हो रहा है हमारे इस टूर्नामेंट में। तो मार्कोस ने किसी लीवो नाम के बंदे को नॉक किया है, तो चलो देखते हैं क्या सीन हो रहा है। तो ये भाई साहब आई थिंक लीवो अंदर है, तो ये इनके, लो भाई साहब इनके टीममेट ने उनके टीममेट की पेटी बना दी, यानी कि इनका हेड फॉरेस्ट टीममेट है। तो इन्होंने अभी यहाँ पे एक और क्लच किया और ये एक टीम का सफाया कर दिया। अभी बंदे बच रहे हैं गिनती के 31, तो चलो देखते हैं इन 31 में कौन हमारे इस होता है ड्यू वर्सेस ड्यू टूर्नामेंट का विनर। तो हेड साजे ने यहाँ पर किसी को नॉक किया था, अब देखते हैं, अरे बेटी तो बनाई दुखी है। चलो ये भाई साहब उनकी बेटी को लूट रहे हैं। तो हेड साजन का भाई एक क्लच है जो मेरे से मिस हो गया, तो मैं उसकी तारीफ तो करूँगा। तो स्टार्टिंग का क्लच था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो भाई साहब इस बंदे ने यहाँ पर उतरते ही शॉर्ट गन से 1v2 किया, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो इसने मारा था करण, जो कि कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है भाई। तो ये वैनम थोर पर टीम ने रश किया और ये भाई साहब वैनम थोर ख़त्म। तो वैनम थोर ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मुकाबला किया था, लेकिन दूसरी टीम ने आके उनको मार दिया। तो चलो वो सब हटाओ, इधर रज़ोक में भी बहुत बंदे घूम रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे वाला क्लच किसके नाम होता है। तो ये कमोज भाई साहब जिन्होंने अभी भी वैनम थोर की टीम को ख़त्म किया था, इनको नहीं, इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इनके टीममेट ने किया था, ये खुद नॉक हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं इनका टीममेट इनको बचा पाता है कि नहीं। तो ये सामने रहे इनका टीममेट और लास्ट गोड ने इनको, भाई क्या मारा है भाई इतनी दूर से 1 KM का स्प्रे, भाई क्या बात है, कुछ लोचा तो नहीं है। चलो वो सब हटाओ। तो ये इनके टीममेट ने यहाँ पे स्मोक किया है, अभी देखते हैं कि मतलब के जिनको बचा पाता है कि नहीं। तो हेड साजन ने वहाँ पे, जो कि लास्ट कोड एक्स के टीममेट है, तो उन्होंने वहाँ पे अभी मारा है किसी को, नॉक किया सॉरी। और ये रहे इनके सामने 16 नंबर वाली टीम, तो चलो देखते हैं कि ये इनको बचा पाता है कि नहीं। और पारस भाई साहब जो कि वहाँ पे थे पीछे रज़ो की साइड में, उन्होंने कमोज की पेटी बना दी, यानी कि किल चुरा दिया लास्ट कोड एक्स का और उनकी टीम ख़त्म। तो लास्ट कोड एक्स ने कमोज के दूसरे टीममेट को भी मार दिया। तो ये सामने की साइड है, एक ऊपर भी है बंदा 27 नंबर वाला, देखिए 16 नंबर वाली टीम। तो चलो देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। ये गांधी भाई साहब यहाँ पे TPP लेके बैठे हैं, कैंपिंग भी छाई हुई है इन्होंने।
तो ये सामने एक भाई साहब नोक पड़े हैं, तो ये नेड आया और नेड से लास्ट कोड के नेड से ये 16 नंबर वाले भाई साहब की पेटी बन चुकी है। तो ये इनका दूसरा टीममेट अभी बचा है, तो चलो देखते हैं ये सरवाइव करता है यहाँ पे कि ये भी पेटी बनवा के जाता है लास्ट कोड एक्स के हाथों से। तो यहाँ पे गाइस बहुत ही ज़्यादा बमबानी हो रही है, तो आप इंजॉय करो और देखो कि ये बमबानी कब तक होती है और कौन किसके नेड से फटता है। तो भाई साहब यहाँ पे नेट की बरसात हो रही है। तो गाइस ये मैं एडिटिंग थोड़ी सी कम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना कल कहीं पे जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है एडिटिंग करने का, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भाई, हमारे पास बहुत कम टाइम है। कल हमने आरपी का भी वीडियो डालना है तो इस वजह से चलो वो सब डा। तो भाई ये सामने नन्हे मुन्ने बच्चे कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, जो सामने दो दिख रहे हैं, तो ये सोच रहे कि ये कैसे उनको मारे, तो चलो देखते हैं जो उनको मार पाते हैं कि नहीं। तो इन्होंने नेट तो खींचा है और भाई साहब फट गए, हेड साजन भाई साहब उस नेट से फट गए। तो ये भाई साहब तो मेरे को लगता नहीं वैसे आगे जाना चाहिए क्योंकि लास्ट कोड एक्स बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तो वो इनको आगे आने नहीं देंगे। लेकिन वो भाई साहब फिर भी रिवाइव करने पहुंच गए हैं और ये पता नहीं क्या आग नेट मोली पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ फेंक रहे हैं, तो चलो देखते हैं। तो ये रश करने तो जा रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है ये रश कर पाएंगे। तो भाई साहब वो तो रिवाइव भी हो चुके हैं, तो ये लास्ट कोड एक्स आगे ऊपर और भाई साहब लास्ट कोड एक्स का ईजी किल। तो भाई यो मेरे को नहीं ये नहीं पता लग रहा कि अगर आपको मोली करना तो आप कवर में रह के करो ना, तो ओपन में आके मोली मोली क्यों कर रहे हो। तो ये गांधी भाई साहब अभी भी यहाँ पे टीपीपी लगा के बैठे हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि ये 8 नंबर वाली टीम यानी कि हेड साजन और लास्ट कोड एक्स यहाँ से जाने की कोशिश नहीं कर रहे मगर जा रहे हैं। तो इनका रास्ता भी क्लियर है गांधी जी का, ये इजिली यहाँ से जा सकते हैं। तो ये मिस्टर शुभम यहाँ पे हीलिंग इनका बहुत कम था, तो ये हीलिंग करते हुए और नीचे इनके आई थिंक एक बंदा है जो इनकी बेटी बनाने को बरकरार है, वो बरकरार नहीं बेकरार है, तो वैसे वो इनकी बेटी बना नहीं पाएगा मेरे को लगता नहीं है क्योंकि ऊपर ये दोनों शेर हैं और वो भाई साहब होने वाले दे रहे हैं, ये लो हो गए। तो चलो इन दोनों ने मिलकर इनकी बेटी बनाई है, अब देखते हैं नेक्स्ट बारी किसकी आई है। तो ये ड्रीम वो पी भाई साहब यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, तो इनका टीममेट इनको अपने कंधे पे उठा के नीचे लेके जा रहा है, आई थिंक ये रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि इनके टीममेट इनको बचा लिया है। तो ड्रीम वो पी आज मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा खास फॉर्म में है, तो चलो देखते हैं ये कब तक सर्वाइव करते हैं, क्या ये लास्ट में कोई चमत्कार करेंगे कि नहीं। तो ये जी एक्स ने किसी नहीं अपनी वी एस एस से मारा है और लास्ट गोड एक्स भाई क्या एक एम चला रहे हैं भाई, ये क्या एक एम चला रहे हैं। तो मिस्टर रमन यहाँ पे नॉक पड़े हैं, तो एक एम बहुत बढ़िया चला रहे हैं लास्ट गोड एक्स और ये स्नाइपिंग भी बढ़िया कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने 5 फिनिश डाल दिए। इधर लास्ट गोड भाई के साजन जो कि टीममेट है इनके ये नॉक हो चुके हैं, तो ये रिवाइव भी दे देंगे इनको। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है अपना, बहुत ही ज़्यादा फाइट हो रही है इसमें। तो जो फाइट के बिने वाला पार्ट है ना गाइस वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है भाई, और अजय रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह उठ के मेरे को जल्दी कहीं पर जाना है और आपके लिए आरपी वाला वीडियो भी बनाना है, तो इस वजह से हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही लंबा वीडियो, लेकिन अभी भी 26 बंदे बच्चे हैं, तो देखते हैं ये कब जाके मरते हैं और कौन होता है विनर ऑफ दिस जियो वर्सेस जियो टूर्नामेंट। तो इधर मिस्टर रमन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, चलो देखते हैं इनके टीममेट जो कि है मिस्टर शुभम इनको बचा पाते हैं कि नहीं। तो इधर गए भाई साहब, तो ये भाई साहब इनको रिवाइव कर रहे हैं, तो रिवाइव हो चुके हैं और जिस बंदे ने इनको नॉक किया था वो इनके क्लोजिंग कर, तो चलो देखते हैं कि वो इनको मार पाते हैं कि ये उनको मारते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं दोनों, तो भाई साहब बाहर अकेले आई थिंक, तो बढ़िया टीम है। तो ये भाई साहब ने ड्रॉप शॉट दिया और खुद भी बच गए और अपने टीममेट को भी बचा लिया, जिनका नाम आई थिंक क्वीन मैंने देखा था ना, क्वीन मेडुसा, क्वीन मेडुसा इनकी पार्टनर है। तो इन्होंने अभी अभी मिस्टर रमन और मिस्टर शुभम की टीम को खत्म करके अपने टीममेट को बचा लिया, तो चलो देखते हैं और कहाँ पे मौसम क्लच हो रहे हैं। अच्छा, तो ये जी एक्स जिन्होंने अभी भी मौसम क्लच किया था भाई, ये खतरे में जा रहे हैं भाई, मेरे को लग रहा है इसके अंदर दो दो बंदे हैं भाई और ये खतरे में जा रहे हैं। जी मैंने सही बोला था भाई, ये ड्रीम ओपी की टीम है। ओ भाई साहब खत्म, तो ये मौत के मुंह में घुस गए भाई और इनकी टीम बच गए हैं। तो भाई ये बहुत ही गंदे वाला सीन हो गया इनके टीममेट के साथ, अंदर दो दो बंदे भाई, ऐसे कौन करता है भाई, आपने तो हार्ट अटैक दे दिया।
बजार वो लास्ट बोर्ड देखो मार दबे हम जो भी ना टपाट अप मार रहे हैं उनकी ओली तो मेरे को टीम ही चलेगी तो जो है किसी भाई साहब के माइक ग्लिच हो चुका है हमारे साथ तो वो कह रहा है कि लास्ट कोड एक्स मार रहा है तो लास्ट कोड एक्स सच में मार रहा है तो ये बहुत ही मुश्किल से बचे हैं तो गाइस यहाँ पे जोन बच चुका है बिल्कुल ओपन में तो जो भी गाड़ी लेके इधर उधर भगेगा भाई सभी का ध्यान उस पर ही होगा और सभी लोग उस पर गोले चलाएंगे तो यहाँ पे अभी बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीम है तो आज एंटी टी बॉय और विक्की ओपी इनकी टीम कोई जादू नहीं कर पाई आई थिंक मेरे को लग रहा है तो ये बहुत ही ये क्या कर रहे हैं भाई साहब तो ये है हमारे जूनियर को गया है तो ये इन्होंने आगे स्मोक किया जो कि मेरे को लगता नहीं है कि इनको करना चाहिए था तो चलो लेकिन फिर भी इन्होंने स्मोक किया तो बढ़िया बात है और ये आई थिंक इनके सामने भाई बंदा लेटा पड़ा है ग्रास में तो जिन्होंने उनको तो आई थिंक नॉक कर दिया भाई साहब लेकिन ये नेट से फट गए तो बहुत ही बढ़िया नेट किया आठ नंबर वाली टीम ने पता नहीं कौन सी नंबर की टीम थी चलो जो भी नंबर था तो इन्होंने नेट बहुत बढ़िया किया और इसी के साथ इन्होंने हमारे जूनियर थोर गेस को लोबी पहुंचा दिया तो ये निखिल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा औसम खेलते हुए आज आई थिंक ये आज नए आए हैं तो वेलकम दी बैक हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो ये हमारे स्ट्रीम से आए थे आज तो ये बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आज मतलब आज नहीं खेल रहे हैं मतलब बढ़िया खेल रहे हैं जिन्होंने अभी एक ही फिनिश डाला है लेकिन ये अभी स्नाइपर शॉट काफ़ी इनके मैंने देख चुका नोटिफिकेशन में जो इन्होंने नॉक किए हैं बंदे तो ये रही डी एक्स हजर की टीम तो ये भी बहुत बढ़िया खेलते हैं तो ये आई थिंक इनको जोन में जाना है जोन स्टार्ट हो चुका है तो ये भाई साहब अपनी लैम्बो को उठा रहे हैं जो कि हमने इनको दी थी बहुत ही सस्ते में तो क्योंकि ये हमारे फ्रेंड है तो ये तो बनता है तो ये भाई साहब गाड़ी में जा रहे हैं तो आई थिंक मेरे को लगता है इनको कोई ना कोई उतार देगा क्योंकि गाड़ी वाला सीन आज बहुत गलत हो रहा है भाई जो भी गाड़ी में इधर उधर घूम रहा है उसकी पेटी निश्चित भर रही है तो ये भाई साहब भी तो ओ भाई साहब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्लच तो बहुत ही बढ़िया बूम बम हो गया यहाँ पे तो निखिल ने भी बहुत बढ़िया क्लच किया अभी तो निखिल भाई साहब आज शाही हुए हैं देखिए ये देखो भाई साहब निखिल ने फिर से 8 से किसी को नॉक किया तो चलो अभी टीमें बच रही हैं गिनती की 3 जिनमें 6 बंदे हैं और देखते हैं कि कौन होता है इन तीनों टीमों में से एक टीम विनर तो जो भी इस टूर्नामेंट में विनर बन जाएगा वो हमसे टीम जीत पाएगा तो इधर मार्कोस भाई साहब जो कि अकेले रह गए थे पीछे उन्होंने नॉक कर दिया आई थिंक और इधर लास्ट गोड एक्स की टीम अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है क्योंकि उन पे ये निकल वाली टीम जो है मतलब कि वो रश कर रही है और सामने इनके मार्कोस भी है तो आई थिंक इनका तो सैंडविच बन गया जो साजन और लास्ट गोड एक्स की टीम है तो चलो देखते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है पिक्चर अभी बाकी है तो जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड के पास इस टूर्नामेंट के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जब वो नेक्स्ट टूर्नामेंट हम करवाएं तो वो आपके साथ इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करें तो ये निखिल भाई साहब ने यहाँ पे गोली फेंकी जिसमें हाथ हो गए बंदे और ये मार्कोस को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया तो जो फाइनली निखिल एंड इनके पार्टनर जिनका नाम आई थिंक हंटर है तो ये दोनों है यहाँ हमारे इस ड्यू वर्सेस ड्यू टूर्नामेंट के विनर तो चलो फटाक से इनके अकाउंट में यूसी डाल देते हैं और सभी को गुड नाइट कह देते हैं तो SMG हंटर एंड निखिल भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन आप हो हमारे इस ड्यू वर्सेस ड्यू टूर्नामेंट के विनर तो आप दोनों के अकाउंट में हमने यूसी डाल दिया है आई होप आपको यूसी मिल गया होगा तो अगर आपको यूसी मिल गया होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपके अकाउंट में यूसी पहुंच गया तो चलिए गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय हैव अ नाइस डे एंड जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर तो जरूर कर देना तो ओके बाय बाय।